अरे हम हैं, हम इसीलिए आए हैं आपके। अच्छा सरकार आपके भगवान बढ़ाओ है, भगवान आपके दिमाग में नंबर का कुल काम चालू भयल साहब। हाँ तो ये तो नए प्रधान है ना। हाँ। तो पुराने वाले प्रधान जो है कितने साल यहाँ प्रधानी किए हैं? 15 साल। 15 साल में ये मकान आपको नहीं देता? नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखे ही है। प्रेमचंद के देश यानी भारत में लगातार मार्मिक कहानियों को पढ़ने का मौका मिला है, जहाँ एक तरफ गोदान और ऐसी तमाम कहानियाँ जिनसे मुंशी प्रेमचंद ने ये मैसेज दिया था कि भारत में गरीबी किस स्तर पर है, वहीं दूसरी तरफ 21वीं सदी में भी भारत में लोगों की क्या स्थिति है, ये खबर कुछ उन्हीं को दर्शाते हुए है। हर तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना मजबूती से ग्राउंड जीरो तक पहुंच पाई है, ये इसी का एक प्रत्यक्ष रूप है। आइए दिखाते हैं किराकत के भैंसा गांव का कुछ ऐसी खबरें जो देखने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाए। नमस्कार साथियों, पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, जोगिया गांव है ये और ये भैंसा गांव के अंतर्गत आता है। ये विधानसभा किराकत के दौरान ये गांव है। इनका घर आप देख सकते हैं, थोड़ा और नज़दीक लाइए, इनका घर गिर गया बरसात में। तो क्या नाम है आपका? कैलाश पाठक। ये मकान कब गिरा? अरे साहब बरसातिया हो गई, ये तब है 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले ही। बस चोट उट भी लग गई? हाँ थोड़ा चोट लगी साहब। अच्छा, वैसे सोए थे हम। तो ये बताइए, कभी आवेदन किया था अपने मकान के लिए? नहीं सब नहीं किया था। इसके पहले जो प्रधान थे तो देने के लिए आवास वगैरह कहे थे? हाँ कहे थे, लेकिन दिए नहीं साहब। कहे थे दिए नहीं? हाँ, राम रामजी प्रधान बोले थे कि कच्चा मकान तुम्हें आवास मिलेगा, लेकिन दिए नहीं साहब, किसी घर को दे दिए। अच्छा अच्छा, हमको रिजेक्ट कर दिए। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि ये मकान गिरा है आपका, हाँ इसके बाद कोई आया जिम्मेदार व्यक्ति? यहाँ लेखपाल आए थे, क्या बोले? मतलब लिख पढ़ करके लेके गए साहब। लिख के लेके गए? कोई नेता, किसी पार्टी का नेता? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, खाली प्रधान जी आए थे, मोलई प्रधान। देखिए मैं उन लोगों के लिए एक सवाल यहाँ पर छोड़े जाना चाहूँगा। हाँ। जो लोग विकास दुबे में ब्राह्मण देखते हैं। हाँ। पर इन ये ब्राह्मण उन्हें नहीं दिखाई देते। नहीं साहब, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जो ब्राह्मणों के ठेकेदार बनते हैं उन्हें भी ऐसी जगह पर आकर ब्राह्मण एकता का सगुफा रचना चाहिए। तो आप हमें बताइएगा कि कितने जन इस मकान में रहते हैं? अरे साहब हम रहते हैं, हमारी प्राणी रहती है और चचा चाची रहते हैं हमारे, उनके बच्चे हैं और है जी, सब अलग अलग रहते हैं। कितने वर्षों पुराना है ये मकान? अरे करीब साहब 50 वर्षों हो ही गया होगा जी। ये बिल्कुल गिरसा गया, थोड़ा आइए दिखाइएगा अंदर का सीन। हाँ। चलिए थोड़ा अंदर लेके। चलिए, ये बुजुर्ग प्राणी यहाँ पर हमेशा डर में रहते हैं और मुझे भी इसमें जाने में डर लग रहा है फिलहाल। आप आइएगा, अब देखिए इस मकान में ये कैसे रहते हैं, आइए देखिए। अब ये मकान है, बस इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। आइए आइए, बाहर आइए। मैं समझ रहा हूँ आप ये भी सोच रहे होंगे। उन नेताओं को ये बात समझनी चाहिए जो राजनीति करने के लिए कोई ज्वलंत मुद्दे को उठाते हैं, उन्हें जहाँ पर वोट बैंक समझ में आता है वहाँ जाकर वो राजनीति करते हैं, ऐसी जगहों पर कोई नेता क्यों नहीं पहुँचता? क्या वजह हो सकती है? क्या घर तभी मिलेगा जब दुर्घटना होगी, जब यह मकान गिर जाएगा, कोई हताहत हो जाएगा, तभी हमारा सिस्टम जागेगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जौनपुर से चलकर यहाँ पर आने का मेरा सिर्फ यही तात्पर्य था कि जो वास्तविक गरीब हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, और जो पहले से ही अमीर हैं या फिर जिनके पास है सुविधाएं, उन्हें सुविधाएं लाद दी जा रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आरक्षण का भी, चूँकि मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि एक मीडिया पर्सन होने के नाते ज़्यादा उस पर बहस करना अभी उचित नहीं लग रहा है हमें। तो इस मकान को थोड़ा इधर से भी दिखाइएगा, आइएगा।
अब यहाँ से पूरा दिखाइए, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए यहाँ पर है भैया, क्या नाम है आपका? राजय कुमार पांडे। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत नहीं हुआ है अभी तक, तो विकास के नाम पे कोई कार्य कुछ नहीं हुआ है नहीं। कुछ इनका घर गिरा तो इनके घर को लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब इनके इनके घर के को लेकर के तो कहना, जैसे इससे पहले जो है करीब 15 साल जो है प्रधान रामजीत यादव थे, तो इनको बार बार इनका घर आज से जर्जर नहीं है, बहुत पहले से जर्जर है। तो प्रधान जी से हम लोग भी बोले कि नहीं भाई इनको जो है आवाज दो, लेकिन प्रधान जी कहते थे लेकिन दिए नहीं, केवल एक इनको संतुना देते थे कि नहीं देंगे देंगे वोट लेके फिर हाँ। और इसके बाद इनकी स्थिति ये है, इनके पास यानी राशन कार्ड लाल वाला भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, नहीं है इनको लाल वाला राशन कार्ड भी नहीं दिए। अब मैं इस पे क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ के जो स्थितियाँ हैं इन्होंने बयां कर दी है, वास्तविकता से परिचय हम आपका करा रहे हैं। लगातार देखते रहिए हमारे साथ डी ए टी आई न्यूज़। अरे हम हैं, हम इसीलिए आए हैं आपके। अच्छा सरकार आपके भगवान बढ़ावे, भगवान आपके दुआ में नंबर का उसे आपके ही पूरे चीज को देखने के बाद हम आए, इसीलिए आए। हाँ बरकार, आप चिंता न करिए, हम चिंता न करो, आप आ गए ना। ठीक है, हम आए हैं आप ही के लिए। अरे नहीं से आए हैं, अरे ठीक है, हम आप ही के लिए आए हैं, चिंता न करिए। आपके आप उसके पात्र हैं जी, आपका हक आपको नहीं मिल रहा है जी। मका हम साहब हम हमारे कच्चा मकान और सबका आवाज साहब देखे ना जो हो गए समझ रहे हैं जी साहब। अब बैठिए, आप आराम करिए। हम अच्छा साहब, हम ठीक है, हाथ मत जोड़िए, हाथ नहीं। आप आए जौनपुर से, मैं तो बहुत खातरी है साहब। अरे ठीक है, आप हाथ मत जोड़िए, हाथ ठीक है ठीक है। ये भैंसा गांव ये है और यहाँ की जो स्थिति है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले से ही, आप थोड़ा हाथ उत्पन्न जोड़िए, पहले हाथ मत जोड़िए। क्या नाम है आपका? जो बोलना महेश नाविक। महेश नाविक, हाँ। आपका घर ये थोड़ा दिखाइएगा, हाँ। और यहाँ नहीं नहीं, ऐसे इधर से ही दिखा दीजिए। आप यहीं रहिए, छाए में रहिए ना, छाए में रहिए। आपको समस्या है सांस वाली, ठीक है, तो यहीं रहिए, यहीं रहिए। तो ये आपका मकान जो ये कब गिरा है? ये बरसात भर में साहब गिरे कल। हाथ मत जुड़ी ना, क्या है आप? दिन कितना दिन हुआ? लगभग पूरे 4 महीना। 4 महीना, हाँ। तो जब ये कच्चा घर जर्जर था तो कोई किसी से आपने कहा था मकान की, आप अपने प्रधान जी से किसी से कभी आपने कहा? हाँ साहब, कहले ली रामजीत का प्रधान ही रहा तो ना सुनना, तो मुलाई के प्रधान ही आई तो कुल काम चालू भयल साहब। हाँ, तो ये तो नए प्रधान है ना, हाँ। तो पुराने वाले प्रधान जो है कितने साल यहाँ प्रधानी किए हैं? 15 साल। 15 साल में ये मकान आपको नहीं देता? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं सरकार। तो बताइए, हाँ 15 साल वो प्रधान रहे, आपकी समस्या को आपने कितनी बार उनसे? नहीं गम ना बुझल, हमने गरीबी, अरे हमेशा एकदम गरीबी ना बुझने सरकार। हमने देखा था क्या बोले हैं प्रधान, कहते हैं साहब देंगे देंगे, 15 साल बीत गया कुछ नहीं किया हमारे लोग को, देखो एकदम छप्पर लगा लगा साहब रह रहे हैं। विधायक जी कभी आए यहाँ पर? हाँ, विधायक जी से आपने कहा? हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ। लेकिन तब भी मिला नहीं? नहीं। तो आपके हम तकलीफ को यहाँ पर समझते हुए ये उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो पात्र हैं उन्हें आवास मिले। तो देखिए आप आंसू मत बहाइए, वो मत रोइए नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत भी है सांस की, और ठीक है। अच्छा शौचालय वगैरह कुछ? कुछ नहीं सरकार, कुछ नहीं देखा, ये कुल घर द्वार कौन शौचालय बताई, ये कुल घर द्वार मड़ई घड़ई दिखाई, ये कुल हाओ घर गिरगलो दिखाओ मड़ई लगाए कहला वो दौका टाटी लग के खा जाता हैंड हैंडपम्प वगैरह कुछ?
हैंडपंप देखा हुआ गड़ल है वैसे पानी पिया जाला हुआ है। वो किसने किया? वो मलाई पाल के तरफ से लगा लगा विधायक कोटा से। विधायक कोटा से, हाँ। चलिए एक काम तो कम से कम हुआ। अच्छा ये बताइए जो राशन है वो मिलता है? हाँ मिलता है राशन मिलता है। चलिए एक काम तो यहाँ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि राशन कम से कम मिल रहा है इन्हें, जीविका उपार्जन के लिए थोड़ा बहुत मदद उससे हो जाता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये जो भारत हमारा है जिसे हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, इस प्रकार के विकास कार्य जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं इससे तो फिर भाई विश्वगुरु बनने का जो सपना है भारत का वो सपना ही रह जाएगा। अब उम्मीद करेंगे कि भैंसा गांव के जो तमाम घर बरसात में गिरे हैं, जो कच्चे घर गिरे हैं, जो पात्र हैं उन पक्के घरों के, उन्हें वो घर मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ और भी किसी गाँव में मिलेंगे आपके साथ। देखते रहिए DATI न्यूज़ जौनपुर। खबर को आपने देखा, हमारे जर्नलिस्ट शिवम उपाध्याय हरिया ने गांव में जाकर इन घरों को कवर किया, इनकी स्थिति को दिखाया, इनके घरों की वास्तविक स्थिति क्या है ये भी आपको प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं कि खोल कर दिखा दिया। आप यह भी देखिए कि एक ब्राह्मण परिवार के साथ क्या हुआ है, उनके घर की स्थिति क्या है। वहीं दूसरी तरफ आपने यह भी देखा कि निषाद परिवार के साथ भी क्या हुआ है, यानी जात को देख कर यहां गरीबी नहीं है, गरीबी यहाँ इनके औकात को अगर देखा जाए तो आप आंक सकते हैं कि यहाँ सवर्ण हो या ऊंची कास्ट हो या नीची कास्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग यहाँ अभाव में जी रहे हैं। दूसरी तरफ ATI आपको एक संदेश देती है और आपसे निवेदन करती है कि अगर इस तरीके का कोई भी मामला आपके गांव क्षेत्र या कहीं भी आपके जाने जगहों पर है तो कृपया हमें इन्फॉर्म करें। इन खबरों को दिखाने में हम खुद सहजता महसूस करते हैं और सरकार की नींद खोलने में हम अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। मैं था राणा सिंह, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। धन्यवाद।